यहाँ पे अब हम पार्ट शुरू कर रहे हैं प्रमोटर्स का। ये प्रमोटर कैटेगरी में आता कौन है? ये प्रमोटर कैटेगरी में रिपोर्ट किसको किया जाता है? ठीक है, सो दैट इज द सेकंड पार्ट व्हिच वाज देयर इन योर चैप्टर 8 व्हिच आई हैड टू डिस्कस। प्रमोटर्स, ठीक। अब ये प्रमोटर्स कैटेगरी की बात करूं ना, तो आई विल टेक सम इंस्टेंस। पहले तो कंपनी लॉ का प्रमोटर दिखाता हूं और फिर आईसीडीआर का प्रमोटर। ठीक है, कंपनी लॉ में प्रमोटर का कैटेगरी सिंपल था। कंपनीज एक्ट में प्रमोटर, अच्छा प्रमोटर कहां पे दिया था कंपनी लॉ में, याद है? अच्छा, डेफिनेशन था सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 में। ठीक है, डेफिनेशन वहां पे दिया था। बाकी प्रमोटर्स की बात जहां पे आप करते थे कंपनी लॉ में, वो था कौन सा चैप्टर? बहुत सारे चैप्टर थे कंपनी में, कौन से चैप्टर में प्रमोटर्स की बातचीत हो रही थी? इनकॉर्पोरेशन में एक जगह प्रमोटर्स की बात हो रही थी, बराबर। प्रमोटर्स ऑक्यूपाई फिड्यूशरी पोजीशंस, प्रमोटर कोई लायबल होते हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। चलो ये एक बात, और कहां पे और कौन सा चैप्टर में प्रमोटर्स की बात हो रही थी? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में प्रमोटर्स की बात नहीं, आई डोंट रिकॉल विच चैप्टर। डायरेक्टर्स में भी 5-6 चैप्टर्स थे, लेकिन डायरेक्टर्स में प्रमोटर्स की बात कौन से चैप्टर में आ रही थी, या फिर अदर देन दैट और कहां पे आ रही थी? क्योंकि कंपनी लॉ के बहुत चैप्टर्स थे, प्रमोटर्स कहां कहां आ रहे थे? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में आ सकते हैं। चलो एक एक वो एक और एरिया हो गया। और प्रमोटर्स कहां कहां आते कंपनी लॉ, सोचो। मैं सिर्फ चैप्टर पूछ रहा हूं, आई एम नॉट आस्किंग यू द सेक्शंस, मेरे को टॉपिक्स वो सब नहीं। कौन से चैप्टर में प्रमोटर्स के बारे में आपने पढ़ा है? थोड़ा सा आगे आ गई, एक्चुअली वो पीछे का चैप्टर था, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस एंड शेयर एंड शेयर कैपिटल के अंदर आपने प्रमोटर्स के बारे में काफी कुछ पढ़ा है। शेयर एंड शेयर कैपिटल चैप्टर नहीं था उस, उसमें प्रमोटर्स का प्रोस्पेक्टस करके चैप्टर था, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट। ठीक है, तो प्रमोटर्स का पार्ट है ना, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज चैप्टर में आता था, और एक और चैप्टर में आता था, एनीबडी रिमेम्बरिंग? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ओके, द पर्सन साइनिंग द, और शी इज करेक्ट, मेंबर्स के चैप्टर में भी आता है। मेंबर्स में एक स्टार्टिंग का पार्ट आता है मेमोरेंडम, जो शेयर सब्सक्रिप्शन फॉर्म को साइन कर देता है डीम टू बी अ प्रमोटर, बराबर, तो उसमें आता था। फिर प्रमोटर्स लाइबिलिटी वाइल इनकॉर्पोरेशन, प्रमोटर गिविंग अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन द और सब्सक्राइबिंग टू शेयर्स, तो प्रमोटर्स के बारे में शेयर एंड शेयर कैपिटल या फिर प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी के चैप्टर में आता था। क्लियर? सो ये सारी चीजें प्रमोटर्स के बारे में कंपनी में थी, और एज शी इज ऑल्सो राइट, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन उसमें भी प्रमोटर्स का मैंशनिंग आती है, और भी कई जगहों पर प्रमोटर्स की मैंशनिंग आती है। तो प्रमोटर होता कौन है? क्लियर? सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 उसकी डेफिनेशन इतना ही देता है कि प्रमोटर हैज टू बी अ पर्सन। अच्छा, प्रमोटर कैन बी ओनली इंडिविजुअल और व्हाट? कंपनी पर्सन। इसलिए प्रमोटर मींस अ पर्सन। प्रमोटर मींस अ पर्सन who has been named as such in a prospectus okay so jiska naam prospectus mein likha hai wo promoter to yahan pe clear hint milta hai ki prospectus and allotment of security ke chapter mein aaya। Then, who
इज आइडेंटिफाइड इन एनुअल रिटर्न. ठीक है, तो अभी आपका सेक्रेटरियल ऑडिट सेक्रेटरियल ऑडिट एंड ड्यू डिलीजेंस हो रहा है. एनुअल रिटर्न कौन सा सेक्शन? एग्जैक्टली याद रखना, सबसे पॉपुलर सेक्शन है एनुअल रिटर्न का 92. एंड देन हु कंट्रोल्स अफेयर्स ऑफ कंपनी, हु कंट्रोल्स अफेयर्स ऑफ कंपनी एज अ शेयर होल्डर और डायरेक्टर. सो एनीबॉडी हू कंट्रोल्स द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एज अ शेयर होल्डर और डायरेक्टर, वो भी एक प्रमोटर हो गया. ओके, और इन अकॉर्डेंस ऑफ हूज एडवाइस whose advice, instructions or directions kya hone wala hai? Yes, the board of directors are accustomed to act. Perfect. So ye company law ke hisab se promoters ki definition ho gayi. ठीक है, अब आते हैं सेबी की तरफ. सेबी प्रमोटर्स की डेफिनेशन में आईसीटीआर रेगुलेशंस का यूज करता है. ठीक है, आपको याद है आईसीटीआर में आपने पढ़ा था प्रमोटर शेयर होल्डिंग 20% याद है, उसमें प्रमोटर के डेफिनेशन का एक पार्ट दिया हुआ था मॉडल में, नहीं देखा? ठीक है, चल जानते हैं. सो प्रमोटर promoter as per SEBI ICDR regulations. So ICDR regulations ke hisab se promoter regulation 2 sub regulation 1 clause 00 isme defined hota hai. Okay, so iska matlab ye definition dekhne ke baad aap bhi bologe प्रमोटर, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर इट. ओके, सो यहां पे प्रमोटर का डेफिनेशन कुछ इस तरीके से जाता है कि प्रमोटर शैल इंक्लूड अ पर्सन ए who is named in draft of a document or of a document. Okay, so jiska naam offer document ya draft mein diya hua hai wo promoter. या फिर हु इज आइडेंटिफाइड इन एनुअल रिटर्न्स ऑफ कंपनीज एक्ट. क्लियर, तो जिसका नाम एनुअल रिटर्न्स पे दिया है वो भी एक प्रमोटर. या फिर इन अकॉर्डेंस with whose advice comma directions or instructions the board of directors okay are accustomed to act. ठीक है, क्लियर.
यहां तक देखने के बाद वही बोलते हैं, ओ प्रमोटर ये तो वही है जो कंपनी लॉ में था, ठीक है। एंड सॉरी यहां पे नोट लिख देता हूं, चलो उसको इन क्लॉज सी, इन क्लॉज सी एनी पर्सन एक्टिंग मेयरली इन प्रोफेशनल कैपेसिटी शैल नॉट बी इंक्लूडेड। सो इफ अ पर्सन इज एक्टिंग इन प्रोफेशनल कैपेसिटी वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर? फाइन। यहां तक की डेफिनेशन कंपनी लॉ की तरह थी, बट उसके आगे का पार्ट थोड़ा चेंज हो रहा है। एंड दे से एंड 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 आपको ये तो पता है कि बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स, ये लोग लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। इनके इन्वेस्टमेंट्स कभी कभार 20% के ऊपर भी हो जाते हैं। क्लियर? कभी उससे भी ज्यादा होते होंगे। तो सेबी ने ऑब्जर्व किया कि जो कंपनी का मेन बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स करना है और उनके इन्वेस्टमेंट्स क्राइटेरिया ऑफ 20% या 25% को भी ब्रीच कर रहे हैं, नो डाउट दे आर कंप्लीटिंग द रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर्स, लेकिन उनका बिजनेस किसी एंटिटी को कंट्रोल करना नहीं है, तो इन दैट इवेंट ऐसी इंस्टीट्यूशंस को प्रमोटर्स कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ओके, सो दैट्स यूनिक, दैट्स यूनिक। उन्होंने डी पॉइंट इधर ऐड करते हुए बोला कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, शेड्यूल्ड बैंक एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड्स alternative investment funds okay then foreign venture capital investors insurance companies insurance companies others as specified others as specified shall not be deemed as promoters merely by virtue of holding merely by virtue of holding 20% or more 20% or more equity capital okay equity capital of the issuer unless the person satisfy prescribed requirement
ओके सो इफ द पर्सन सैटिस्फाइज द प्रिस्क्राइब रिक्वायरमेंट तब तक वो प्रमोटर नहीं। समझा? क्लियर? सो इस पूरे डेफिनेशंस के सेगमेंट को पढ़ के तीन बातें बाहर निकल के आती है। प्रमोटर कौन हुआ? सो प्रमोटर जानने के लिए या तो आप इश्यू डॉक्यूमेंट या एनुअल रिटर्न देखो, या तो आप इश्यू डॉक्यूमेंट या फिर एनुअल रिटर्न देखो, तो आपको मालूम पड़ जाएगा प्रमोटर कौन है। बराबर? नहीं तो दूसरा क्या? दूसरा आप कंट्रोल देखो, आप कंट्रोल देखो। ये कंट्रोल की रिक्वायरमेंट कहां से मिलेगी? ये मिल जाएगी सेबी टेकओवर कोड से। अगर कोई भी सेबी टेकओवर के हिसाब से 20% और मोर का कंट्रोल करता है इश्यूअर में, तो वो भी प्रमोटर हो जाएगा। बराबर? कंट्रोल का डेफिनेशन। और तीसरा एंगल आप देखना है तो ये देखो, अकस्टम टू एक्ट, अकस्टम टू एक्ट। ये एंगल आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिट रिपोर्ट से मिलेगा। कहां से मिलेगा? जब सीए वाला रिपोर्ट करता है एएस एंड ऑडिट रिपोर्ट्स में, जिसको हम लोग यू नो उस रिपोर्ट को क्या बोलते हैं, जब कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट रिपोर्ट होती है उसको बोलते हैं कारो रिपोर्ट, कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर, कारो रिपोर्ट। कारो रिपोर्ट में अकस्टम टू एक्ट का मेंशन करना कंपलसरी है। तो सीए वालों को जो मिला उसमें से हम लोग भी ढूंढ लेंगे। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिट रिपोर्ट, इसमें देखो। क्लियर? तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में समझ में आ जाएगा कि प्रमोटर्स कहां पे मिलते, कौन होते। ठीक है? क्लियर? अभी तक बातें सिंपल थी क्योंकि हम प्रमोटर की बात कर रहे थे। अब सेबी का आईसीडीआर रूल्स एक डिफरेंट लेवल पे चेंज कर रहा है, और क्या चीजें हैं वो समझने की कोशिश करना। देखो, जब हम लोग बात करते हैं प्रमोटर्स की, ओके, जब हम लोग बात करते हैं प्रमोटर्स की और या फिर सेबी की, तो जब हम लोग बात करते हैं सेबी के रिपोर्टिंग्स की ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है, सो इसमें सेबी ने बेसिक कैटेगरी में तीन क्लास क्रिएट कर रखे हैं। बेसिक, वैसे तो हम लोग और बाइफोकेट करना चाहे, डाइसेक्ट करना चाहे, बहुत कुछ हो सकता है, बट बेसिक में तीन। वो आपको दिखेगा एक क्लास जो आपको जनरली, आप बीएससी एनएससी पे जाओगे, प्रमोटर्स एंड प्रमोटर्स ग्रुप करके हेडिंग लिखी रहती है, प्रमोटर्स एंड प्रमोटर्स ग्रुप। दूसरी क्लास जो आपको दिखती है वो क्लास दिखती है, उसके ऊपर लिखा होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। कई बार हम लोग बोलते हैं आईजीबी प्लेटफॉर्म पर ट्रेड होगा ये सर, बट वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और तीसरी क्लास जो आपको दिखती है उसको हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स सेबी की तरफ से प्रोटेक्टेड रहते हैं। क्लियर? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सेबी ने रिपोर्टिंग के हिसाब से यह बोला है कि अगर कोई प्रमोटर कैटेगरी से इसकी तरफ जाता है तो रिपोर्टिंग दो,
और अगर कोई प्रमोटर कैटेगरी से इसकी तरफ जाता है तो रिपोर्टिंग दो। मतलब जो प्रमोटर कैटेगरी में अपना स्टेक कम करके कंपनी को छोड़ के निकल रहा है, जैसे नारायण मूर्ति जी, लेकिन अब वो रहेंगे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, छोटे से शेयर होल्डर, उन्होंने अपनी कंपनी बेच दी। क्लियर? तो अगर कोई प्रमोटर कैटेगरी से निकल के रिटेल कैटेगरी या इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी की तरफ मूव हो रहा है तो रिपोर्टिंग दो, क्योंकि प्रमोटर्स कंपनीज भी होती है। उसी तरह सेबी ने दूसरी बात बोली, अगर कोई रिटेल कैटेगरी से रिटेल कैटेगरी से प्रमोटर्स कैटेगरी में जाता है उसकी रिपोर्टिंग दो। क्लियर? और अगर कोई इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी से प्रमोटर्स में जाता है तो उसकी रिपोर्टिंग दो। तो ये सारी कैटेगरीज अपने आप में रिपोर्टेबल है। ये सारी कैटेगरी इसकी आपको रिपोर्टिंग देनी है और ऊपर में भी रिपोर्टिंग है। समझा? सो आपको आइडियली जब बीएससी एनएससी पे आप किसी की स्क्रिप्ट खोल देते हो और स्टडी करते हो तो आपको ये तीन कैटेगरी जरूर दिखेगी, प्रमोटर, प्रमोटर्स ग्रुप, इंस्टीट्यूशनल एंड रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। और इनके विद इन ये लोग खेले तो ठीक है, व्हेन द रिटेल्स आर प्लेइंग विद इन द रिटेल कैटेगरी नो इश्यूज, इंस्टीट्यूशनल आर प्लेइंग विद इन देम ठीक है। अगर यहां से यहां या यहां से यहां जाता है एक तरह से सभी बोलते हैं ज्यादा कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, दैट इज इंस्टीट्यूशनल ने अपना डाइल्यूशन करके रिटेल में चला गया। हाँ, रिपोर्टिंग इसकी भी है। चलो मैं बताने के हिसाब से ये भी बोल देता हूं कि इसकी भी रिपोर्टिंग है, इन दोनों के बीच की भी रिपोर्टिंग है, लेकिन ये इतनी बड़ी रिपोर्टिंग नहीं है। रिपोर्टिंग इसकी है जैसे आईसीडीआर नॉर्म्स, टेक ओवर कोड के डिस्क्लोजर नॉर्म्स रिपोर्टिंग है, बट दैट्स नॉट बिग थिंग। बिग थिंग इज वेयर दिस कैटेगरी गेट्स अफेक्टेड, और दिस कैटेगरी गेट्स डाइल्यूटेड। तो इस एस्पेक्ट को ध्यान रखना कि हमेशा कि तीन कैटेगरी है, प्रमोटर इज द मोस्ट बिग एंड द क्रीम कैटेगरी, बाकी सब अलग कैटेगरी है। अब सवाल उठता है, सर इसमें कौन आता है? प्रमोटर्स ग्रुप, प्रमोटर तो समझ लिया सर, प्रमोटर्स ग्रुप में कौन आता है? यहां पर सभी ने अच्छा खासा पॉइंट मारा है, क्योंकि इन दोनों को लेके मैं प्रोस्पेक्टस में रिपोर्ट करूंगा। यू हैव टू रिपोर्ट द प्रमोटर्स ना, प्रमोटर्स ग्रुप स्टेक होल्डिंग ना। तो अब सवाल है, प्रमोटर्स तो आपने देख लिया रेगुलेशन 2 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज डबल ओ, नाउ प्रमोटर्स ग्रुप में कौन आएगा और उसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो बात अब थोड़ा ध्यान से समझने वाली है। ठीक है, लेट अस सी एंड अंडरस्टैंड, पहले तो प्रोविजन बेस्ड और फिर मैं आगे का बात बताता हूं। सो आया प्रमोटर्स ग्रुप, ये आता है रेगुलेशन 2 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज पीपी ऑफ सेबी आईसीडीआर। तो इसको ऐसे याद रखना, तू भी प्रमोटर मैं भी प्रमोटर, दोनों पीपी। फाइन। सो इन दैट केस प्रमोटर्स ग्रुप में, अच्छा क्या प्रमोटर्स प्रमोटर ग्रुप में आएंगे? बिल्कुल आएंगे, यू आर करेक्ट, प्रमोटर्स प्रमोटर ग्रुप में आएंगे। सो दैट मींस प्रमोटर्स ग्रुप, प्रमोटर्स ग्रुप includes firstly the promoters wo aa gaya regulation 2 sub regulation 1 clause double o, wo upar ke definition ke hisab se, theek hai? Okay, abhi promoters ke relatives wo aa sakte hain, theek hai? So yahan pe sebi bolta hai yes, secondly an immediate relative
ऑफ प्रमोटर वो आ सकता है, ठीक है। अब ये इमीडिएट रिलेटिव कौन हुआ, रिलेवेंट इमीडिएट रिलेटिव कौन हुआ, एक तो स्पाउस ऑफ पर्सन, स्पाउस ऑफ पर्सन वो इमीडिएट रिलेटिव हुआ, और सभी बोलता है पेरेंट नहीं, एनी पेरेंट, स्टेप हो या नेचुरल हो, सो एनी पेरेंट, और एनी ब्रदर सिस्टर, स्टेप हो के नॉन हो, सब एनी ब्रदर सिस्टर। सभी बोलता है प्रमोटर कैटेगरी के लिए कुछ कंसिडर नहीं करना है, अगर वो ब्रदर सिस्टर है तो डालने का नाम, चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, दोनों का नाम डालने का, ओके। यानी प्रमोटर्स कैटेगरी रिपोर्टिंग में ये बाइफोकेशन मत करने बैठना कि वो डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, ये बाइफोकेशन आपको रिपोर्टिंग में करनी है कि वेदर फाइनेंशियली डिपेंडेंट और नॉट, यहां पे इमीडिएट रिलेटिव में सब डाल देना, ओके। तो ब्रदर सिस्टर आ गया, फिर सभी बोलता है स्टेप चाइल्ड लिखने की बजाय एनी चाइल्ड ऑफ द पर्सन, लीगल इलीगल कोई फर्क नहीं पड़ता, एनी चाइल्ड ऑफ द पर्सन, ठीक है। इमीडिएट रिलेटिव जब आप इनसाइडर ट्रेडिंग पढ़ोगे तो वहां पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट वर्ड यूज करते हैं लोग, यहां पे आईसीडीआर में रिलेटिव्स की तरह पे उसमें फाइनेंशियली डिपेंडेंट वर्ड यूज नहीं करते वो लोग, ठीक है। और दूसरी बात, स्टेप चाइल्ड होते हैं ना, तो सभी ने बोला एनी चाइल्ड ऑफ द स्पाउस, वो हो गया स्टेप चाइल्ड, सो एनी चाइल्ड ऑफ स्पाउस, इन सबको सेबी ने बोला दे ऑल आर इमीडिएट रिलेटिव्स, दे ऑल आर इमीडिएट रिलेटिव्स। ठीक है, अब सेबी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोल रहा है, सेबी बोल रहा है कि क्या एक कंपनी दूसरे कंपनी की प्रमोटर हो सकती है, हो सकती है, ओके। सो इन केस प्रमोटर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, इन केस प्रमोटर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, सो अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी की प्रमोटर हो सकती है तो सभी बोलता है कि A subsidiary और होल्डिंग कंपनी, और होल्डिंग कंपनी ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। सो सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट वो भी प्रमोटर ग्रुप में आएगा, ओके। देन दूसरी चीज, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, एनी बॉडी कॉर्पोरेट इन विच प्रमोटर होल्ड्स 20% और मोर equity shares capital, okay, clear, and or jo bhi bitao
एनी बॉडी कॉर्पोरेट, ये बी का ही पॉइंट है, एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच होल्ड्स 20% और मोर, विच होल्ड्स 20% और मोर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल of equity share capital of the promoter. Of the promoter. Clear? So ये है basic definition. कि अगर body corporate है तो promoter group में ये लोग आते हैं. समझा? ठीक है? अभी इसको हम लोग वैसे dissect करते हैं जैसे हम लोग जनरली कॉर्पोरेट्स में बैठ के करते हैं. तो प्रमोटर एक कंपनी है जिसका इश्यू आने वाला है. इश्यू के लिए उसको ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस में प्रमोटर की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी. ये रहा सेबी का प्रोविजन. तो अब क्लॉज बी के हिसाब से रिपोर्टिंग क्या होगी? ठीक है, चलो उसकी एनालिसिस करते हैं. उस एनालिसिस के हिसाब से क्या बैठेगा? So, पहली बात, एक इश्यूअर कंपनी है, इश्यूअर कंपनी जिसका इश्यू आने वाला है, और हमने पढ़ा इश्यूअर कंपनी का प्रमोटर एक एंटिटी है यानी बॉडी कॉर्पोरेट है. सो इसका प्रमोटर, प्रमोटर एंटिटी बराबर. ये प्रमोटर एंटिटी हमने कहां पे पढ़ा? तो हमने पढ़ा था रेगुलेशन 2 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज ए में, डबल ओ सॉरी, तो उसके हिसाब से प्रमोटर एंटिटी है. ठीक है, अब देखो हर एक इश्यूअर कंपनी को पब्लिक डिस्क्लोजर्स करना पड़ेगा. इस पब्लिक डिस्क्लोजर्स के लिए सेबी क्या बोलता है? सेबी बोलता है कि इश्यूअर कंपनी की प्रमोटर एंटिटी, इश्यूअर कंपनी की प्रमोटर एंटिटी, चाहे उसकी वो होल्डिंग कंपनी हो, चाहे उसकी वो होल्डिंग कंपनी हो, या फिर इश्यूअर कंपनी किसी एंटिटी की होल्डिंग कंपनी हो, तो यानी सामने वाली उसकी सब्सिडरी कंपनी हो, तो दोनों को मिला के प्रमोटर ग्रुप में डालने का. तो अगर आपकी कंपनी है तो आपकी होल्डिंग और आपकी सब्सिडरी दोनों को मिला के प्रमोटर ग्रुप में रिपोर्ट करना है. समझा? सो ये दोनों मिला के अब क्या होगा? आई हैव टू रिपोर्ट इट, आई हैव टू गिव देम एज प्रमोटर ग्रुप ऑफ द इश्यूअर कंपनी. ईश्वर कम, ये बात समझ में आई? क्लियर? एक ईश्वर कंपनी है, ईश्वर कंपनी की प्रमोटर कौन है? तो उस बॉडी कॉर्पोरेट की सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी भी प्रमोटर ग्रुप में आ जाएगा ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट. सो इस तरह ईश्वर कंपनी, ईश्वर कंपनी की प्रमोटर एंटिटी है, प्रमोटर एंटिटी की होल्डिंग सब्सिडरी भी इसके साथ जुड़ जाएगी. ठीक है, अब दूसरी बात समझो. एक इश्यूअर कंपनी है, इश्यूअर कंपनी, और इश्यूअर कंपनी की एक और प्रमोटर कंपनी है, इश्यूअर कंपनी की एक और प्रमोटर कंपनी है बराबर. तो प्रमोटर कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट हो गई बराबर. अब अगर प्रमोटर कंपनी किसी दूसरी कंपनी में, लेट्स से एक्स लिमिटेड, इस एक्स लिमिटेड में होल्ड्स 20% और मोर इक्विटी, होल्ड्स लेट्स से 22% इक्विटी शेयर्स, तो इश्यूअर कंपनी को इस एक्स लिमिटेड को प्रमोटर कैटेगरी में दिखाना पड़ेगा. उसे इसे
प्रमोटर ग्रुप में रिपोर्ट करना पड़ेगा, समझा? बिकॉज एक बॉडी कॉर्पोरेट दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट में, प्रमोटर एंटिटी मेरी जिसमें भी होल्ड करती है, मुझे उसे भी मेरे प्रमोटर के साथ रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? ठीक है, फिर आते हैं तीसरी बात पे। एक इश्यूअर कंपनी है, कोई बहुत पुरानी बात आ गई, ये ऐसा ही कुछ समझा रहा था तो इश्यूअर कंपनी कई बार आ रहा था, तो स्टूडेंट्स ने लिखा, शायद किसी बच्ची ने भी लिखा था, बाद में लेक्चर के बाद आके क्लेरिफिकेशन करी, सर इसका मतलब क्या है? तो जब मैं देखा तो उसने लिखा था ईश्वर कंपनी। मैं वो देख के थोड़ा हैरान भी था, मैं ईश्वर बोल रहा हूं वो ईश्वर समझ रही है। देखिए सो हो जाता है, यंग एग्जीक्यूटिव के बच्चे थे उस टाइम पे, सो दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ईश्वर एंड व्हाट इज ओके, बट देवो करेक्ट, सारी कंपनी ईश्वर भरोसे ही चलती है, हम भी उसी के भरोसे चल रहे हैं, पास होंगे कि नहीं पता नहीं। प्रमोटर कंपनी, सो ईश्वर कंपनी की प्रमोटर कंपनी है, और इस बार उल्टा करने का है, एक एक्स लिमिटेड करके कंपनी है जो प्रमोटर कंपनी में शेयर्स होल्ड करती है, दैट इज इट होल्ड्स लेट से 22% इक्विटी शेयर्स, बराबर। तो हमारी इश्यूअर कंपनी को इसे एज अ प्रमोटर्स ग्रुप में रिपोर्ट करना पड़ेगा, इसे प्रमोटर ग्रुप में रिपोर्ट करना पड़ेगा, समझा? क्लियर? फिर एक और बात, एक और बात, ये अपनी इश्यूअर कंपनी है और इसकी प्रमोटर एक प्रमोटर कंपनी है, ठीक है, इसकी प्रमोटर एक प्रमोटर कंपनी है, एंड लेट्स टेक एक कंपनी है जिसका नाम है जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड, ठीक है, जेड लिमिटेड हमारी प्रमोटर कंपनी में होल्ड्स 12% इक्विटी शेयर्स, ठीक है, और जेड लिमिटेड की एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, दैट इज जेड लिमिटेड, जेड लिमिटेड की एक ट्रस्ट है, जेड लिमिटेड वेलफेयर ट्रस्ट, जो सभी के साथ रजिस्टर्ड है एज अ बॉडी कॉर्पोरेट, ओके, जो ईसॉप्स वगैरह देने का काम करती है, जिसपे जेड लिमिटेड का फुल कंट्रोल है, जिसपे जेड लिमिटेड का फुल कंट्रोल है, और ये ट्रस्ट जो है ये मेरी इश्यूअर कंपनी के अंदर होल्ड्स 12% इक्विटी, इक्विटी शेयर्स। तो सेबी बोलता है इन दोनों को आपको प्रमोटर्स कैटेगरी में डालना होगा, प्रमोटर्स ग्रुप, ये दोनों के दोनों प्रमोटर्स ग्रुप में जाएंगे, दे विल बी कॉल्ड एज प्रमोटर, प्रमोटर, समझा? दोनों के दोनों, इसलिए मैं बोला क्योंकि जब एनालिसिस करने बैठोगे ना तब आपको दूसरे एंगल समझ में आने लगते हैं। फिर एक और पॉइंट, अगर एक इश्यूअर कंपनी है एंड उसकी प्रमोटर एक प्रमोटर कंपनी है,
ठीक है। अब हुआ ये कि एक ट्रस्ट है जेड लिमिटेड वेलफेयर ट्रस्ट, वेलफेयर ट्रस्ट जो एक बॉडी कॉर्पोरेट के नेचर में है, और ये ट्रस्ट ईश्वर कंपनी में होल्ड्स 22% इक्विटी शेयर्स, ठीक है। ये ट्रस्ट ईश्वर कंपनी में 22% इक्विटी शेयर्स होल्ड करती है, एंड जेड लिमिटेड का इस ट्रस्ट पे फुल कंट्रोल है। ठीक है, लेकिन जेड लिमिटेड की कोई होल्डिंग नहीं है, जेड लिमिटेड की कोई होल्डिंग नहीं है। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा? अब अपने को ऐसा है कि क्योंकि ट्रस्ट की तो होल्डिंग तो डायरेक्ट है, तो एज अ रिजल्ट उसको हमें दिखाना पड़ेगा, दैट इज प्रमोटर्स ग्रुप में 22% से जो ऊपर गया, बराबर। सो एज अ रिजल्ट यहां पर इस ट्रस्ट को तो मैं प्रमोटर्स ग्रुप में रिपोर्टिंग में डाल दूंगा, प्रमोटर्स ग्रुप। क्या जेड लिमिटेड को डालना है कि नहीं? क्या जेड लिमिटेड इसमें इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? अब आपसे रिलेवेंट सवाल होगा, पर वो प्रमोटर ग्रुप में किस हिसाब से होगा? उसका तो ना 20% स्टेक के ऊपर कुछ भी नहीं है, जिसका है उसका नाम तो लिख दिया हमने, समझा? इसका नाम तो हमने लिख दिया जहां पे वो 20% स्टेक के ऊपर की बात की थी, एनी कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट प्रमोटर होल्ड्स और 20% के ऊपर का, तो वो पॉइंट तो मैंने कवर कर लिया। अब सवाल ये है जेड का क्या करूं, उसको रखना है कि नहीं रखना है? बस सिंपल सी बात है। वेल, अगर मैं उसको नहीं रखता तो बात ठीक है, लेकिन रखता हूं तो फिर कैसे? अगर मुझे उसको प्रमोटर्स ग्रुप में रखना है, बोल गया अभी मैंने बोला कंट्रोल का डेफिनेशन टेक ओवर कोड के हिसाब से पढ़ना, समझा? तो Z लिमिटेड अपने आप में एक्टिंग इन कंसर्ट में रिपोर्ट हो जाएगा। मेन रिपोर्टिंग तो Z वेलफेयर ट्रस्ट ही होगी, और उससे नीचे एक सब पॉइंट में रिपोर्ट होगा दैट Z लिमिटेड इज एक्टिंग इन कंसर्ट, क्योंकि उसका फुल कंट्रोल है उसके ऊपर। कुछ कुछ याद आया? ओके, सो उस चीज को अभी लेट से एक इश्यूअर कंपनी है और उसकी एक प्रमोटर कंपनी है, ओके। सो इश्यूअर कंपनी उसकी प्रमोटर कंपनी है। अब हुआ ये एक्स लिमिटेड हमारी प्रमोटर कंपनी में होल्ड्स 25% इक्विटी शेयर्स, ओके, ठीक है। सो एक्स लिमिटेड को हम लोग 25% इक्विटी शेयर्स के नाम पे होल्ड करते हैं, और हुआ ये कि एक्स लिमिटेड की एक होल्डिंग कंपनी भी है, एक्स लिमिटेड की एक होल्डिंग कंपनी है, ठीक है। सो ठीक है, सो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स यानी प्रमोटर्स ग्रुप के हिसाब से क्या किसको कैसे रिपोर्ट करने का है, तो ये बात तो एकदम क्लियर है सर कि एक्स लिमिटेड को मैं रिपोर्ट करूंगा प्रमोटर्स ग्रुप में, प्रमोटर्स ग्रुप में। लेकिन एक्स लिमिटेड होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी है ना, सॉरी एक्स लिमिटेड, हाँ बराबर, एक्स लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी, तो इश्यूअर कंपनी को इसे भी रिपोर्ट करना पड़ेगा प्रमोटर्स ग्रुप में, समझो?
क्यों? क्योंकि एक्स लिमिटेड इनडायरेक्टली होल्डिंग कंपनी के थ्रू कंट्रोल्ड है, तो वो भी रिपोर्टिंग में जाएगी। समझ में आया? क्लियर। एंड लास्टली इश्यूअर कंपनी है, एंड उसके नीचे प्रमोटर कंपनी है, ठीक है। अब इस केस में सिचुएशन समझने जैसी है। एक कंपनी है जेड लिमिटेड, जेड लिमिटेड प्रमोटर कंपनी में 22% होल्ड करता है, इक्विटी शेयर्स, ठीक है। एक ट्रस्ट है जेड लिमिटेड ट्रस्ट, जो अपने आप में एक बॉडी कॉर्पोरेट है, और वो इश्यूअर कंपनी में होल्ड्स 21% इक्विटी शेयर्स, ठीक है। लेकिन मजेदार बात यह है कि जेड की ट्रस्ट पे नो कंट्रोल, कोई कंट्रोल नहीं है, डज नॉट कंट्रोल। एज अ रिजल्ट इश्यूअर कंपनी के लिए अब रिपोर्टिंग देखो, ये दोनों के दोनों फिर भी प्रमोटर्स ग्रुप में आ रहे हैं, ओके, फिर भी प्रमोटर्स ग्रुप में आएंगे। अब इस केस में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर ये 22 की जगह पे 10% होता, मैं इसको रिपोर्ट नहीं करता, ना एक्टिंग इन कंसर्न ना अदरवाइज। अगर यहां पे 22 है लेकिन अगर यहां पे 11 होता तो मैं इसको रिपोर्ट नहीं करता। अब समझ गया? मैं इन दोनों को कभी क्लब नहीं कर सकता क्योंकि इसका इसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है। अब समझ में आया? क्लियर। सो वही पॉइंट सेबी के इस एनालिसिस में क्लॉज बी को समझाने के लिए थे। क्लियर विद एवरीवन? ठीक है।